नमस्कार बिहारी भाइयों, आज के इस मुलाकात की श्रृंखला का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चर्चा करेंगे SBI बैंक मित्रों में जो नया स्लैब कमीशन का स्टार्ट हुआ है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसके लिए हमारे FI टीम से हमारे इंद्र कुमार शुक्ला सर, नीरज तिवारी सर और अश्विनी कुमार शुक्ला सर मौजूद हैं। जो इस कमीशन का जो स्लैब बनाया गया है, जिसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आज की इस मुलाकात में मैं इंद्र कुमार शुक्ला सर का, नीरज सर का और अश्विनी शुक्ला सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद रवि जी। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। तो सर, हमारे सभी बिहारी भाइयों को आज की इस मुलाकात में जो नया स्लैब स्टार्ट हुआ है, इसके विषय में आप लोग हमारे सभी बिहारी भाइयों को थोड़ा बताएं कि कैसे इन लोगों को करना है और किस प्रकार से ये इसको पूरा कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपना कमीशन जो है उसको पा सकें। इंदर सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, आप कुछ इस विषय में बताएं। नमस्कार मेरे CSP, SBI के CSP भाइयों, आप सभी को जानकर भी खुशी होगी क्योंकि एक स्लेब आया है और स्लेब के माध्यम से आपको फायदा भी है क्योंकि उसमें इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो आप सभी के लिए उसके लिए बताया गया है कैसे क्या करना है। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी हमारे पूरी टीम ने शेयर भी करा है, हमने भी आप लोग को बताया है। तो उसमें स्लेब जो दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं, 1 से लेके 5 तक आपको करने हैं। इनको यदि आप कर लेते हैं तो स्वाभाविक है आप अपने इंसेंटिव के भी हकदार हो जाएंगे और आपको मेंटेनेंस जो एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस है उसका भी कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये फायदा आपको मिलने के लिए अब SBI ने लागू कर दिया है। इसमें आपको कुछ शर्तें रखी गई हैं, उस शर्तों में पहला जैसे स्लैब है, हम सभी को सबसे पहले पहला स्लैब पार करना पड़ेगा। और उस स्लैब के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट ओपनिंग है, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और अटल पेंशन योजना है। तो स्लैब वन में आप सभी को मिनिमम 9 अकाउंट ओपन करने होंगे और आपको SPMJJY 13 करनी होंगी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 19 करनी होंगी और APY 3 करनी होगी। स्लैब वन है, यदि इसको आप कर लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसमें ₹1,000 इंसेंटिव मिलेगा और आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो मेंटेनेंस का पैसा है 50% वो भी आपको मिलेगा। फिर जैसे 100% मिलता है तो यहाँ पे क्या होगा, स्लैब वन है, स्लैब वन में 60% मिलेगा क्योंकि स्लैब फाइव में आपको 100% मेंटेनेंस का पैसा मिलेगा। और क्या होता है, स्लैब वन के अंदर आपको ₹1,000 इंसेंटिव है, ऐसे ही स्लैब टू है। स्लैब टू के अंदर क्या होता है कि जैसे अकाउंट ओपनिंग है, अकाउंट ओपनिंग आपने स्लैब वन में कितनी दी, 9 दी है, यहाँ पे 11 हो जाएंगी, 2-2 अंक बढ़ जाएगा। ऐसे ही स्लैब थ्री में अकाउंट ओपनिंग कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, फिर ऐसे ही 15 हो जाएगी स्लैब 4 में और स्लैब 5 में कितनी 16 हो जाएगी। ये आपके अकाउंट ओपनिंग का है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है, स्लैब 1 में आपको 13 बताई गई हैं, उसमें 2-2 बढ़ती जाएंगी, 15 हो जाएंगी, फिर आपकी 17 हो जाएंगी, फिर आपकी 19 हो जाएगी, इसी तरीके से आपके टोटल 20 PMJJY 5 स्लैब में भी चली जाएंगी। ऐसे ही 5-3 भी है, ऐसे 5 जो 5-4-5 4 के अंदर 1-4-3-4-5 1 के अंदर 1,000 इंसेंटिव है, 2 के अंदर आपको 1,200 इंसेंटिव है और 3 के अंदर आपको 1,800 इंसेंटिव है और 4 जो है स्लैब उसके अंदर आपको 1,800 इंसेंटिव है, लेकिन 5 के अंदर ₹2,000 इंसेंटिव है। 5 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बचा रहा हूँ कि जो हमारे पुराने बैंक मित्र हैं उनको सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा यदि उन्होंने 5 को नहीं क्रॉस किया। 5 वाले में आपको अकाउंट ओपनिंग 16 करनी होगी और प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना जो बीमा योजना है उसको आपको 20 करनी होगी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो आपको 30 करनी होगी और अटल पेंशन योजना आपको 7 करनी है। ये 4 दिए गए हैं, चारों में से यदि 3 क्वालिफाई आप कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं तो स्वाभाविक है आप इंसेंटिव के भी हकदार हो गए 2,000 के,
दूसरी चीज आप जो 100% मेंटेनेंस का उसके भी हकदार हो गए, क्योंकि मेंटेनेंस का पैसा स्लैब में बटेगा। जैसे आप स्लैब वन है उसके अंदर आपको 60% है, स्लैब टू है उसके अंदर 70 है, फिर 80 है, फिर 90, फिर 100 है। 100 कहाँ पे? स्लैब फाइव में है। तो ये चीजें आपको आप में ज्ञान होनी चाहिए। आपको ग्रुप में भी हमारे जितनी पूरी टीम है उन्हें आपको भी बताया, हमने भी शेयर किया, आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया गया है। तो पहली चीज अपने स्लैब को तैयार कर लीजिए, बिना इसके आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा ना आपका मेंटेनेंस का पैसा मिलेगा। तो आप याद रखिए इन स्लैबों को आपको पार करना ही पड़ेगा, बिना इसके आपका। एक मन में प्रश्न आता है कि ये अमूमन जब भी हम लोग की सीएसपी से बात होती है तो अमूमन उनसे एक वार्तालाप में एक बातचीत निकल के आती है कि ग्राहकों का कम मूवमेंट होना, उनके पास कम संख्या में आना। इसके लिए एक हमें जितना मालूम है कि एक स्ट्रेटजी के तहत कार्य करना पड़ेगा। पहले 10 दिनों में वो अकाउंट की तरफ ज़्यादा फोकस करें कि कम से कम मिनिमम उनके 20-18 साल के ऊपर के अकाउंट या 25 अकाउंट निकल आए। अगर आप, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मेकर और चक्कर रीजनल ऑफिस से हो रहा है, ब्रांच से नहीं हो रहा है, उसका अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म रीजनल ऑफिस तक पहुंच जाए जल्द से जल्द, जिससे कि अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, और तभी हम ये जो APY, PMJJY, PMSBY, PMJJY का अगर हमने पहले 10 दिनों में अकाउंट ओपनिंग में मेहनत कर ली तो मुझे लगता है कि माह के अंत आते आते ये जो स्लैब वन, स्लैब टू, स्लैब थ्री, स्लैब फोर के जो टारगेट हैं हमारे 5 के, वो हम इजिली थोड़ा अचीव कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यू आर राइट, एकदम सही कह रहे हैं, और ये करना ही होगा तभी आप कर पाएंगे। जितने भी बैंक मित्र हैं उनसे इतना याद रखना, अकाउंट आपका KRA है, की रिजल्ट एरिया। याद रखना आपका ट्रांजेक्शन, अकाउंट ओपनिंग बेस होता है। यदि बेस को आपने स्ट्रांग नहीं करा तो कभी सफल नहीं हो सकते। तो पहली चीज तो आपको बेस को स्ट्रांग करना, अकाउंट ओपनिंग होगी तभी आपकी PMJJY होंगी, PMSBY होगी और APY होंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। वो तिवारी जी सही कह रहे हैं कि इन सब चीजों को आपको करना चाहिए। शुक्ला जी, एक मैं और प्रश्न जानना चाहता हूँ सीएसपी की तरफ से, ये अकाउंट ओपनिंग के कैसे हम अपनी बढ़ा सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? कि क्योंकि सेंटरों पे ही बैठे बैठे रह करके तो वो अकाउंट के नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ नहीं जाएंगे। आपका इनको सीएसपीज को क्या विशेष प्रयास करना चाहिए कि नंबर ऑफ अकाउंट्स करीब महीने में 20 से 30 इनके खुल जाए? इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि कैंप लगाएं। बिना कैंप के ये चीज नहीं होगी। कैंप ही एक माध्यम है, एक आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है। लक्ष्य पाना है तो कुछ करना होता है, करने के लिए आपको संघर्ष करना होता है। इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा और उसको में कैंप लगाने पड़ेंगे, तभी आप सफल होंगे, नहीं तो सफल नहीं होंगे। क्योंकि आप मान लीजिए आपका बहुत कुछ अब लॉस हो जाएगा यदि आपने इन स्लैबों को नहीं देखा। देखिए स्लैब आपके सामने आ चुके हैं, स्लैब जो है आपके सामने है, देख लीजिए। ये स्लैब आपको इंसेंटिव भी दे रहे हैं, 1,000 रुपए दे रहे हैं पहले स्लैब में, दूसरे स्लैब में 1,200 रुपए दे रहे हैं, तीसरे स्लैब में 1,500 रुपए हैं, तीसरे स्लैब 1,800 हैं, फिर 2,000 हैं। ये स्लैब आप खुद देख लीजिए, ये आपको पहले भी दिए जा चुके हैं। यदि इसके माध्यम से आप काम करते हैं तो जरूर सफल होंगे। और ये तिवारी जी जैसे कह रहे हैं, कैंप के माध्यम से ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सफलता तभी मिलती है जब कुछ करने की शक्ति होती है, और ये करना होगा क्योंकि नहीं। एक चीज और मन में प्रश्न में आ रहा है, ये एडिशनल इंसेंटिव तो हमको मिला, जो नॉर्मल हमको APY में हमको कमीशन प्राप्त होता है, PMJJY में जैसे 30 रुपया है, PMSBY में 1 रुपया है, अकाउंट ओपनिंग में जो हमारा दे है बैंक की तरफ से वो तो मिल ही रहा है ना इनको। उसके अलावा इनको 1,000 रुपए और प्लस अगर स्लैब वन क्रॉस कर लिया तो इनके अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा हुआ अमाउंट का 60%, यही है ना पूरा? हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 60% पहले स्लैब में मिलेगा, 60% ही मिलेगा, और जो लास्ट वाला इनका 5 स्लैब है, क्योंकि ज्यादातर पुराने बैंक मित्र हैं उनके लिए 5 स्लैब पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 स्लैब में उनके 16 उसमें दे रखा है, अकाउंट दे रखा है, 20 PMJJY दे रखा है, 30 PMSBY दे रखा है और 7 APY दे रखा है। इनको 2,000 रुपए इंसेंटिव तो मिलेगा, इनको 100% मेंटेनेंस का, किसका मिलेगा? जो इनका बैलेंस रखा उस पे मिलेगा 100%। जी, तो कहने का मतलब है बिना स्ट्रेटजी के आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। स्लैबों का ये चार्ट है, अपने इनको अपने सेंटर पे लगा के रखना पड़ेगा,
इनको 20 तारीख आते आते कैलकुलेट करने लग जाना पड़ेगा किस कौन से सेगमेंट में कौन सी कमी रह गई है जिसपे ये फोकस कर पाए। डाटा पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि माह के अंत आते आते एकदम से सब चीजों की पूर्ति नहीं हो जाएगी। शुरुआत से ही महीने के एक्टिव रहना पड़ेगा सीएसपी को, सही है? बिल्कुल यही करना पड़ेगा। और किसी न किसी उद्देश्य से काम करेंगे तभी सफलता मिलती है। सफलता ऐसे नहीं मिलती, कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। आपको कैंप लगाने पड़ेंगे और ये कैंप आपको पर वीक लगाने पड़ेंगे। 4 कैंप आप निर्धारित कर लीजिए जिसके माध्यम से आपके नंबर आप अकाउंट खुलेंगे, क्योंकि आपका KRA, आप जब तक KRA आपका स्ट्रांग नहीं होगा कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ेंगे। KRA स्ट्रांग है तो समझ लीजिए सब कुछ है आपका। इसीलिए अकाउंट ओपनिंग बेस है। अश्विनी जी से एक मेरी चर्चा हो रही थी, वो उनके क्षेत्र के एक कोई सीएसपी थे, वो इस चर्चा में अभी करीब 1 घंटे पहले बता रहे थे कि उसका काफी कुछ उसका पैसा उसका इस बार SBI की तरफ से नहीं आया। मैं चाहूंगा कि अश्विनी शुक्ला जी वो किस्सा हमारे सीएसपी भाइयों के साथ शेयर किया जाए, जिन्होंने जिस सीएसपी ने 12 से 13 हजार का लॉस पिछले माह अपना हुआ है उसका, कि किस किन कारणों से वो अपने इन 12 हजार के से वंचित रह गया। अश्विनी शुक्ला जी उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से सीएसपी भाइयों को बताएं। धन्यवाद तिवारी जी, सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी जो बात हो रही थी हम लोगों की, इस पे जो स्लैब्स की बात हो रही है, टारगेट्स की बात हो रही है, और अभी तिवारी जी ने प्रश्न उठाया कटौती की, तो इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। मित्रों, आप जो भी खाता खोलते हो तो आपके द्वारा खोले गए खातों में जो जमा धनराशि होती है उस जमा धनराशि के ऊपर बैंक आपको इंसेंटिव देता है। तो पहले तो मैं चाहूंगा रवि, जरा आप ये कंफर्म कर दें हमारे दर्शकों को, हमारे सीएसपी भाइयों को, कि जो इनको इनके एवरेज बैलेंस पे जो इनको इंसेंटिव मिलना शुरू होता है उसके जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या है, एक बारी आप ये कंफर्म कर दें, फिर अपनी बात हम आगे करेंगे। रवि जी, रवि आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, मेरे ख्याल से रवि नहीं सुन पा रहे, तो उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आपको हमने बताया कि जो भी आप खाते खोलते हैं उनमें जो डिपॉजिट बैलेंस है उस बैलेंस के ऊपर आपको इंसेंटिव बैंक देता है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे सीएसपी साथी हैं जिनकी महीने की इनकम मोर देन 50,000 है, सिर्फ और सिर्फ जमा पे जो इंसेंटिव आता है वह रकम, उनके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन, उनके द्वारा की गई सोशल सिक्योरिटी, इन सब के पैसे तो आप अलग है। अब आप समझो कि कोई व्यक्ति है जो सीएसपी है हमारे बीच में, उनको खाते पे 50,000 रुपए का इंसेंटिव मात्र आ रहा है। तो अभी जैसा कि शुक्ला जी ने बोला और तिवारी जी ने भी बताया कि हमको महीने के पहले 10 दिन पे फोकस करना चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, तो तजुर्बा ये कहता है कि जो भी सीएसपी 15,000 से ऊपर अकाउंट खोल लेंगे उनका मंथली कमीशन बड़े प्रेम से 90,000 से 1,00,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। शुक्ला जी मेरे ख्याल से मैं सही हूँ? बिल्कुल 100% तो हमारे BLE साथियों को चाहिए कि एकमात्र अपना लक्ष्य बनाए कि हमको अपना अकाउंट 15,000 से ऊपर करना है और ये अकाउंट खोलना। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो भी जो अकाउंट हो वो क्वालिटी बेस पे हो, मतलब उसमें पैसा अधिक से अधिक कस्टमर जमा करे तभी तो उनका डिपॉजिट अमाउंट भी बढ़ के निकल के आएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना बैंक के लिए भी सरदर्दी है, आपके लिए भी सरदर्दी होगी, आने वाले समय के लिए आपको अच्छे से कस्टमर ही आगे रखने होंगे अपने पास। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, उसी पे मैं आ रहा था। तो सीएसपी साथियों को चाहिए कि 15,000 खाते अपने पार करने का टारगेट बनाएं। जिस दिन आप ये टारगेट पूरा कर लेंगे आपकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपए से ऊपर की होगी और खाता खोलना आपको कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया भी कि क्वालिटी अकाउंट आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि आपने किसी स्टूडेंट का अकाउंट खोला हो जो पैसा ना रखता हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो जाए, या हो सकता है कुछ लोग अपने दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लें, तो आपका जो बेस होगा वो 15,000 से घट के 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है। तो आपने एक बारी मेहनत करके जो 15,000 का बेस बना लिया उस बेस को बरकरार रखना है, फिर आपकी इनकम
लाख रुपए से ऊपर की महीने की होगी, ये अनुभव कहता है, ये गारंटेड इनकम है। अच्छा, अब जो बात आती है इसकी कि आपको एवरेज बैलेंस मिलने लगा, बैंक ने ये बोला कि बैंक के ऊपर प्रेशर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डीएफएस का, कि सोशल सिक्योरिटी में सैचुरेशन ड्राइव के तहत सभी जनधन खाता धारकों की ये बीमा होनी है, तो इसमें कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। तो कुछ लोगों की डाटा एनालिसिस करने के बाद बैंक ने आप लोगों के लिए एक नियम लागू करा, उन्होंने स्लैब बनाए कि इस स्लैब के तहत आप परफॉर्मेंस करो अकाउंट ओपनिंग जेजेबीवाई एसबीवाई और एपीवाई में, आप परफॉर्म करोगे तो हम आपकी परफॉर्मेंस पे आपको इंसेंटिव अलग से देंगे, आपको प्रोत्साहन धनराशि अलग देंगे जो दिख रही है 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक। लेकिन ऐसे साथी जो यह करने में सक्षम नहीं होंगे या जो यह नहीं करेंगे, उनकी जो इंसेंटिव है उनके डिपॉजिट के ऊपर, वह जो मिलेगी उसमें कटौती होगी, और ये कटौती होगी 50% तक। तो तिवारी जी, जो आपका प्रश्न था कि कटौती, अभी मेरी इंदर सर से बात भी हो रही थी, हमारे बहुत सारे साथी हैं, बरेली में साथी हैं हमारे हैं, सिद्धार्थनगर में हमारे एक साथी हैं, जिनकी कटौती जो इस जुलाई मंथ में होने जा रही है वो 10,000 से ऊपर है, 12,000 है, 15,000 है। तो मेरा जो मैसेज है सीएसपी साथियों के लिए कि आप सोचो कि आप से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की कमीशन 15,000 नहीं बनती होगी, क्योंकि स्टेट बैंक की जो पूरी जो एक एवरेज है वो भी 12,000 रुपया ही है पर सीएसपी, जितने सारी कंपनीज के सीएसपी काम करते हैं सबको मिला करके पूरे इंडस्ट्री का जो एवरेज कमीशन है पर सीएसपी वो 12,000 रुपया है। अब आप सोचो मित्रों की हमारे आगे शुक्ला जी, एक आगे बढ़ने से एक मन में प्रश्न आ रहा है, जो रिवाइज कमीशन स्ट्रक्चर जो डिस्प्ले किया गया है, ये क्या एक सर्टेन पीरियड से है कि आने वाले समय में 1/6/2023 से आगे यथावत ये बना रहेगा, इसी स्ट्रक्चर पर रहेगा? नहीं, ये अब आगे हमेशा से बना रहेगा, अनटिल अनलेस सैचुरेशन ड्राइव जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यही रहने वाला है। मतलब सीएसपी को निकलना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए फील्ड में, ये बैठे बैठे जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसपे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल निकलना पड़ेगा। और अब टारगेट देखो, आप टारगेट है क्या स्लैब 5 की, भी बात हमारे इंदर सर कर रहे थे, स्लैब 5 में अगर हम बात करें कि एपीवाई 7 एपीवाई करनी है महीने की, यहाँ जब एलओसी की ड्राइव चलती है, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो एक एक दिन में 25-25 एपीवाई कर लेते हैं, जिनको एलओसी में बुला के सम्मानित पुरस्कृत भी किया गया। जी, तो सीएसपी मित्रों पूरे महीने में 7 एपीवाई क्या है, ये कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं कहीं आपको अपने आप को मंथन की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। पीएमएसबीवाई आपको 30 करना है, मतलब एक दिन का एक करना है, अगर आप एक मतलब सारे प्रोडक्ट में एक खाता, एक एपीवाई, एक जेजेबीवाई और एक एसपीवाई पर डे के हिसाब से टारगेट करो, तो ये आपके स्लैब कब पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। 2,000 रुपया आपको इनाम भी मिल रहा है, आप जो 15,000 इंसेंटिव पा रहे थे वो भी आपको मिल रहा है। तो हमें जैसा कि अभी तिवारी जी ने सेशन के शुरुआत में कहा था कि हमें प्लान करना पड़ेगा, टारगेट बिल्कुल बड़ा नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल टारगेट है ये, इससे ज्यादा तो आप लोग हर महीने करते हैं जो काम करने वाले लोग हैं, जो नहीं काम कर। तिवारी जी हमारे वहां गोरखपुर में एक चलता था ना लास्ट ईयर में 30-50-150 एक हम लोग करते थे, 30 ये ऑलमोस्ट हर जगह था, महीने का 30 एपीवाई, 50 जीवन ज्योति और 150 सुरक्षा बीमा, और सीएसपी कहीं इससे बहुत ज्यादा करते थे। तो अगर अभी ये स्लैब देखा जाए तो उस हिसाब से तो ये कहीं का नहीं है, मतलब ये तो हमारा सीएसपी पहले हफ्ते में ही पूरा कर सकता है अगर थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करे तो। शुक्ला जी, तो अभी पिछले महीने कई एसबीआई की मीटिंग हुई, तो उसमें सीएसपी ने कई सारे प्रश्न उठाए थे मीटिंग में कि हमको, हमने जो अकाउंट खोले हैं उसमें हमने एपीवाई पीएमजेजेवाई पीएमएसबीआई कंप्लीट कर लिया है, अब हम उन अकाउंटों की सूची कहाँ से प्राप्त करें जिसमें एपीवाई पीएमजेजेवाई नहीं है। तो उसमें चर्चा का ये रिजल्ट निकल के आया था, तो उसमें एक बात को एजीएम साहब और डीजीएम साहब ने बोला भी था कि इस तरह की सूची अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप अपनी संबंधित ब्रांचों में जाइए और वहां से उन अकाउंटों की सूची प्राप्त कर सकते हैं जिनमें एपीवाई पीएमजेजेवाई पीएमएसबीआई नहीं है। आप यदि आपके कस्टमर सर्विस पॉइंट पे अगर कोई काम नहीं है तो कम से कम उन
खाता धारकों को मैसेज बैठ के भेज सकते हैं कि आपका किसी स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं है, या कॉलिंग कर सकते हैं उन ग्राहकों को अपने क्षेत्र के कि भाई आए और रजिस्ट्रेशन, ये भी एक बहुत हेल्पफुल आने वाले समय में प्रोसेस रहेगा इनका। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी कि लिस्ट ब्रांच से ले सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और है जो हमारे सीएसपी भाई गलती कर रहे हैं, हमारे ट्रांजेक्शन के बाद पॉपअप आते हैं। थोड़ा सा मैं पॉइंट को अलग 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 में ले जाऊंगा पॉइंट को थोड़ा सा। अभी सी के वाई सी का चल रहा है जो लीगेसी अकाउंट का है, जिसमें हर सी के वाई सी पे 10 रुपए का मिलना है इनको पेमेंट। अब जो डाटा कहता है, आपके पास भी डाटा आता, हमारे पास भी डाटा आता, हम लोग अध्ययन करते हैं, तो पता चला कोई एक्स सीएसपी है और उसको 25 पॉपअप आए थे सी के वाई सी के, बट उसने क्या करा, उसने एक करा। इसमें गलती हमारे सीएसपी भाई ये करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, उन्होंने देखा कोई फोटो 10 रुपए बहुत होता है, उन्होंने देखा कि कोई फोटो चाहिए टाइप की चीज आई हुई है, उसको तुरंत वो स्किप मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा जो ट्रिपल एस है, इसका भी पॉपअप आता है हर ट्रांजेक्शन पे, थोड़ा सा हमारे सीएसपी को रुकना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा और कस्टमर से हमें बात करनी पड़ेगी, और अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन होगा होगा। आपको मैं बताऊं, मैं एक अपने केंद्र पे बैठा था, लास्ट मंथ की बात है, तो एक सज्जन आए जो हायर एसी में काम करते हैं, उनकी एपीवाई हुई थी और वो एपीवाई बंद कराना चाह रहे थे जी। तो मैं संजोग से बैठा हुआ था, तो हमारे सीएसपी ने बोला कि सर ये एपीवाई अपनी बंद कराना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बंद करा दो, वैसे भाई साहब क्यों बंद कराना चाहते हैं। फिर मैंने उनसे बात करा, वो सज्जन अपनी वाइफ के साथ आए थे वहां पे। बात करने के बाद जो मैंने उनको एनालिसिस करा और उसके बाद जो मैंने उनको समझाया, तो भाई साहब उन्होंने अपना तो नहीं बंद कराया, अपनी वाइफ का भी एपीवाई तत्काल करवाया। तो अगर हम कस्टमर से बात करेंगे तो निश्चित रूप से कस्टमर हमारी बात समझेंगे। तो ये इंदर सर हमारे हैं, ये लोगों से जी 60 साल के बाद 10,000 अमाउंट हैंडसम अमाउंट है। आप क्या मतलब बुढ़ापे में 10,000 रुपए से आप दाल रोटी तो खा सकते हैं आराम से बैठ के, बिना बच्चों पे डिपेंडेंट हुए, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सर। इसमें सर हमें कस्टमर्स को समझाने की जरूरत है, चाहे वो हमारे थ्रू हो या सीएसपी के थ्रू हो। अगर हम कस्टमर को डीपली जानकारी इसके देंगे तो वो जरूर इस सर्विस से जुड़ना चाहेंगे। जैसे सर अभी आप आवाज थोड़ी नहीं आ रही थी, अभी आप एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे थे सर, तो एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस है कि जी सर इसमें थोड़ा क्या है आपकी वॉइस नहीं आ रही थी जी, तो इसमें सर एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस में रूरल का अगर कस्टमर है तो हर खाते में एटलीस्ट कम से कम 3,000 रुपए होने चाहिए, ये बैलेंस उनको एवरेज अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। और जितने भी खाते हैं, कोशिश सभी लोग ये करें कि 5,000 से ऊपर अपने पास कस्टमर बेस बना करके रखें, और जितना ज़्यादा कस्टमर होगा और जितना बैलेंस उनके अकाउंट में रहेगा उसी हिसाब से उनको एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का पेमेंट मिलता रहेगा। रवि, एक मन में प्रश्न आ रहा है, मैं प्रश्न का समाधान चाहता हूँ। अन्य बैंकों में क्या है कि जब तक आपके अकाउंट 1,000 ना हो जाए, 90% फंडेड ना हो जाए, 25 लाख के ऊपर ना हो जाए आपका अमाउंट, तब तक वो आपको इंसेंटिव डिपॉजिट अमाउंट पर नहीं देते हैं। क्या SBI में ऐसा तो नहीं है कि हमारे अकाउंट 1,000 होने चाहिए, 25 लाख से ऊपर डिपॉजिट होना चाहिए, इस तरह का कोई प्रावधान वो तो नहीं है रोको? नहीं सर, इस तरीके का नहीं है, लेकिन ये है कि मैक्सिमम अकाउंट होने चाहिए और जितने भी आपके पास अकाउंट हैं उन सभी में एवरेज बैलेंस एक मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया 3,000 अप्रोक्सीमेट कम से कम होना चाहिए। अगर इस तरीके का एवरेज अगर सभी खातों में है, ये ग्रामीण इलाकों के लिए बताया ना, ये ग्रामीण इलाकों के लिए बताया ना आपने? बिल्कुल सर, ग्रामीण और शहर दोनों में 3,000 से कम इतना होना चाहिए, 3,000 कम से कम होना चाहिए सर। और दूसरा सर ये है कि जितने भी हमारे पुराने VC हैं उनके पास जो कस्टमर का बेस है, अकाउंट का बेस है सर, बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों से यही निवेदन है सर कि वो लोग मैक्सिमम JJBY, APY, SBY हमारे सारे प्रोडक्ट को वो अच्छे से कर सकते हैं। बस उसी को देखते हुए SBI ने ये नया क्राइटेरिया हम लोगों के सामने दिया कि जो हमारे कस्टमर बेस जिन CSPO के पास ज़्यादा हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन बेस पे काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे पास इतने अकाउंट हैं और इतना एवरेज बैलेंस हमारे पास सभी खातों में है,
तो क्या है कि हमें हर महीने वो मेंटेनेंस का चार्जेस तो हमें अमाउंट मिलता रहेगा कमीशन के रूप में। तो इस वजह से इस स्केल को लाया गया कि कम से कम वो लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भी थोड़ी अपनी भागीदारी को और बढ़ाएं, जिससे कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो किसी तरह जाया ना हो, हम जो पैसा दे रहे हैं। रवि जी एक मन में प्रश्न और आता है, आप तो पूरा यूपी का टेंशन हिस्ट्री देखते होंगे, आप हमारे यूपी में सबसे टॉप मोस्ट ऐसा सीएसपी का नाम बताएं जिसने की सबसे ज्यादा कमीशन पिछले 4-5 महीने से अर्न कर रहा है। ये भी हम चाहते हैं कि ये इस मीटिंग के दौरान ये रहे कि हमारे इस टॉप मोस्ट सीएसपी जो हैं वो कितना प्राप्त कर लेते हैं कमीशन एसबीआई से। सर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बहराइच से शिवाकांत मिश्रा जी हैं जिनका कमीशन सर एवरेज अगर देखा जाए तो 50+ ही आता है सर। और हमारे ऐसे और कई भी सीएसपी हैं जैसे अखिलेश हो गए और भी ऐसे कई सारे सीएसपी हैं जिन लोगों का 50,000+ कमीशन आता है, जो कि ऐसा नहीं है कि वो केवल ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके पास कस्टमर बेस भी अच्छा है, कस्टमर का फुटफॉल भी अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल वो ट्रांजेक्शन पे है, वो JJBY, SBY, JDY और भी जितने हैं RD, STDR या पासबुक प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना हो गया या माइक्रो ATM की सर्विस हो गई, ये सभी चीज़ को वो फॉलो करते हैं, इस वजह से उनका कमीशन इतना ज़्यादा आता है। तो जो टारगेट ये दिए गए हैं सर, ये कोई टारगेट इतना बड़ा नहीं है। अगर CSP अगर इसको सोचेगा कि मुझे एक दिन में करना है, या जैसे कुछ CSP का कहना होता है कि सर महीने के 25 दिन निकल गए हैं, अब मुझे 40-50 खाते खोलने हैं, 40-50 SBI करने हैं, तो कैसे करूँगा। तो इस चीज़ को ये ना मानते हुए कि हमें एक दिन में या 2-4 दिन में करना है, अगर इस चीज़ को हम स्टार्टिंग से ही लग जाते हैं और एक एक दो दो अगर करते रहते हैं डेली बेसिस पे, भाई मैक्सिमम एवरेज देखा जाए तो हर सेंटर पे 40-50 या 100 या इससे भी अधिक कस्टमर डेली फुटफॉल होता है। तो अगर डेली बेसिस पे हम एक एक दो दो करते रहेंगे तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है करने के लिए, हम इसको मंथ के एंड तक या मंथ से काफी समय पहले तक हम इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। एक चीज और मैंने देखी है, जो CSP सामाजिक टाइप के होते हैं, जैसे उनके ग्राम प्रधानों से संबंध होते हैं, जो इनका स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल से संबंध है, या पेट्रोल पंप मालिक, या फिर इंडस्ट्रीज से संपर्क रहते हैं, ऐसे CSP बैंकिंग क्षेत्र में हमने देखा है ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। जो CSP इंट्रोवर्ट, मतलब आप अपने ग्राहकों को दुआ सलाम ना करना, दो टूक बात करना, और उससे फिर क्या होता है कि कस्टमर भी आपसे कटने लगता है। हमने देखा है कि अगर हम किसी अपने ऐसे सामाजिक CSP से कहें कि आज तुम्हें कैंप लगाना है, तुरंत वो प्रधान से बात करता है, क्योंकि प्रधान उसके संपर्क में है, क्योंकि वो लगातार नरेगा का पैसा या कभी उसकी मदद कर रहा है, वो कैंप लगाने में मदद भी करता है। जब आदमी जब तक संपर्क नहीं बढ़ाता है तब तक कुछ भी नहीं होगा, वो वहीं सेंटर में बैठा रहेगा। आप गाँव में जाओगे भी तब भी आपको कैंप लगाने में दिक्कत होगी। हमको तो ये लगता है कि अगर हम अपने आसपास के क्षेत्र के गांव प्रधानों से या अधिकारियों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि सर आपको अगर आपके क्षेत्र में अकाउंट खुलवाना हो, उनके लिए भी, ग्राम प्रधानों के लिए भी फायदा है, उनको चुनाव के रणनीति के लिए या इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के लिए, पर उसके लिए आपको सेंटर छोड़ के मूवमेंट करना पड़ेगा। बिना उसके कुछ भी नहीं सेंटर पर रखा, सेंटर पर अगर बैठ के टेंशन करेंगे तो सब कुछ आने वाले समय में फ्लॉप होने वाला। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि ये समय सर डिजिटली इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है। जी डिजिटली बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी। एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि जैसे आप कोई CSP हैं और आपने मेहनत करी हुई है, आपने 15,000-10,000 खाता बैलेंस अपना बनाया हुआ है, किन्हीं कारणों से आप इस व्यवसाय को छोड़ते हैं या आपकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से आपको बैंक द्वारा हटा दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो नया व्यक्ति आएगा, उस नए व्यक्ति को आपके द्वारा किए गए कार्यों का इंसेंटिव मिलता है। मतलब आपने अगर 10,000 खाते खोले हैं और 50,000 रुपया बैलेंस आपको आ रहा है अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने का, तो आप ही के स्थान पे जो नया आदमी आएगा उसको उतना ही फायदा मिलेगा। ये बहुत मेहनत आपने करी है, मेहनत आपने करी है और फायदा अगला पाएगा। तो आपकी मेहनत का फायदा, क्योंकि आपने सोचा था इसकी, इसीलिए हटाए गए आप, दूसरा आएगा वो फसल बढ़िया। बहुत सही। यस
तो इसलिए आपकी मेहनत का फायदा आपको ही मिले, इसलिए जरूरी है कि आप ये जो स्लैब्स बनाए गए हैं इन स्लैब्स को महीने के पहले 15 दिन में पूरा कर लें, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख करके अपने व्यवसाय के बारे में विचार कर सकें। और ऐसे सीएसपी साथी जो अभी हमें सुन रहे हैं, जिनका कोड पिछले 2-4-5 महीने में रिप्लेसमेंट के माध्यम से आया है, आप समझिए कि आपको पिछले के काम का फायदा मिल रहा है, आपकी कमीशन अच्छी आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत ज्यादा काम करा है, बट अगर अपने आप को आप नहीं संभालेंगे तो फिर आपकी जगह कोई और आएगा जो आपका फायदा ले रहा होगा, आपको जुड़े हुए अकाउंटों का वो फायदा ले जाएगा फिर वो। सही कह रहा है। थोड़ा सा हम भी मूवमेंट जी, कुछ चीजें नई चीज बताना चाहते हैं इसके अलावा। जो अपना सीएसपी सेंटर है वहाँ पे कुछ चीजें जरूरी है, मुझे लगता है सेंटर में हमें ऐसा नहीं कि सेंटर ऐसे ही खोल दिया बिना बैनर बिना पोस्टर के बिना कुछ लगाए, तो सबसे पहले आप जितने भी रजिस्टर हैं सीएससी अपना जो सीएससी बाजार है वहां जाके हमारा जितना भी बैंक मित्र है वो जाके सीएससी बाजार से जाके रजिस्टर जरूर ओपन कर ले, वो परचेस कर ले। यदि वो सीएससी से वहां से रजिस्टर परचेस करता है तो उसके एक जैसे रजिस्टर सारे हो जाएंगे। दूसरी चीज, रजिस्टर जो है ट्रांजेक्शन रजिस्टर हो, अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर हो, या लोन रजिस्टर हो, या विजिट रजिस्टर हो, या कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो, या कंप्लेंट रजिस्टर हो, ये रजिस्टर होने जरूरी है सेंटरों पे, सबसे ज्यादा अत्यंत जरूरी है। इसके अलावा आप सभी का क्यों कोड होना जरूरी है, सभी का सब क्यों कोड होना जरूरी है। आप ही का पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमको तीन चार, आप ही बता रहे थे 3-4 ट्रांजेक्शन रजिस्टर खरीदने हो तो उसका अमाउंट बढ़ा भी सकता है सीएसपी। नहीं तो कोई जरूरत नहीं, अपने सीएससी बाजार से जाके ले सकता है और रजिस्टर परचेस कर सकता है। दूसरी चीज, अब इतना याद रखिए सेंटर के अंदर बैनर साने फ्लेक्सी जो बोर्ड है वो लगा होना चाहिए, बैनर बाहर लगता है, अंदर जितना है वो लगता है रुपए कार्ड का हो गया या आपका डू डाउंट हो गया, क्या करना क्या नहीं करना हो गया, क्या चार्ट लिस्ट हो गई, ये सब टोटल लगेगा सेंटर के अंदर, बाहर अंदर लगता है, बाहर नहीं लगता, बाहर से बैनर लगता है उसका फ्लेक्सी बोर्ड लगता है। दूसरी चीज, जितने भी सेंटर हैं उन सेंटरों पर पासबुक प्रिंटर, माइक्रो एटीएम और आईडी कार्ड ये अत्यंत आवश्यक है। बिना आईडी कार्ड के और एग्रीमेंट जो आपने करा है वो अपने सेंटर पे रखिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी जांच करने आ सकता है और हर महीने जांच हो रही है। तो अपने सेंटर पे सबसे पहले सारे सेंटर को साफ सुथरा रखें, सारे सेंटरों पे अपने जो बैनर पोस्टर जो ऑलरेडी आपको शेयर किए जा चुके हैं ये सब रखें। इसके अलावा आप माइक्रो एटीएम को एक्टिव रखें, अपना पासबुक प्रिंटर रखें, इसके अलावा अपना यूबी लैंप बहुत सेंटरों पर नहीं है, बहुत जरूरी है यूबी लैंप जरूर लगाइए। यूबी लैंप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रुपए आपके पास जब चेक करते हैं तो ये पता नहीं चल पाता कैसा है, और वॉइस प्रॉम्प्ट मतलब जो आवाज आती है वो पता चलनी चाहिए कस्टमर को कि क्या पैसा निकलते समय कितना पैसा निकला, ये सब चीजें अत्यंत जरूरी है। और अपना आईआईबी पुलिस वेरिफिकेशन ये और एग्रीमेंट ये तीनों सेंटर वहां पर रखोगे, आईडी कार्ड, ये चार चीजें आपको सेंटर पे जरूर से जरूर चाहिए। हमारा सेंटर सबसे बढ़िया और साफ सुथरा होना चाहिए। सीएससी है, सीएससी मेरी जान है, तो सीएससी मेरी पहचान भी होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए एसबीआई को, कोई भी विजिट करने आ सकता है, कहीं से भी कोई आ सकता है तो लगे कि नहीं सीएससी का सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है। तो ये सर्विसेज आपके लिए जरूरी, मेरे ख्याल से शुक्ला जी गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, तिवारी जी सही बात है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मूलभूत एक सीएसपी पॉइंट को लगाने से पहले ही काम हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा बोला आपने। और जी आप चाहेंगे कि कंक्लूड करें इस मीटिंग को, चर्चा का विषय जो आज हम लोग का तिवारी जी एक 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 चीज मैं और थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं से, सभी सीएसपी साथियों से, कि इस महीने के अब आखिरी 5-6 दिन बचे हुए हैं, और ये जो अभी डिडक्शन आपका संभावित है जो हो सकता है, जिसका नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि देखो क्या है कि जो व्यक्ति की अर्निंग होती है उसके हिसाब से उसके खर्चे फिक्स होते हैं। अगर मान लो किसी की सैलरी है 25,000 रुपया, तो उस 25,000 रुपये के हिसाब से उससे खर्चे डिसाइडेड होते हैं, इतना बच्चों की फीस देनी है, ये दूध है, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड हैं। ऐसे ही हमारे जो सीएसपी साथी हैं उनकी जो इनकम आ रही है ऑन एन एवरेज, उस हिसाब से उनके एक्सपेंसेस डिसाइडेड होते हैं। अब जब इस महीने, हालांकि ये लागू होना था 1 जून से लागू होना था, बट जून में बैंक ने उसको लागू नहीं करा, अभी जुलाई से लागू कर रहा है,
तो अगर किसी की इनकम में 15,000 17,000 20,000 10,000 की कटौती हो जाएगी तो उसके परिवार के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सही, वो अपने बच्चों की दूध, अपने बच्चों की दूध और फीस के पैसे के लिए उसको मुश्किल खड़ी हो जाएगी, या अन्य जो भी जिसके जैसे जो भी अपने जीवन यापन की सबकी व्यवस्था है। तो यह कटौती हमारी ना होने पाए, इसके लिए जरूरी यह है कि जिन कारणों से हमारी कटौती हो रही है उन कारणों को इन 2-3-4 दिनों के अंदर हम ठीक कर लें। तो जो मेरा ये है संदेश है जो सीएसपी साथियों को, वो ये है कि आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के पास सूची उपलब्ध है, जो हम लोग जो एफआई इंचार्ज हैं अलग अलग क्षेत्र में देख रहे हैं, हम लोगों के पास सूची उपलब्ध है और हम लोगों के द्वारा आप सभी सीएसपी को सूची उपलब्ध कराई जा रही है किन किन जगहों पे आपका गैप है, बहुत क्लोजली मॉनिटर हम लोग कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ सहयोग इतना करें कि जो गैप है उस गैप को अगले 2-3-4 दिन के अंदर पूरा कर लें, ताकि आपका परिवार सफर न करे, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण चीज है। ये मेरा लास्ट ये एक अपील थी सीएसपी साथियों के साथ। अब आगे तिवारी जी या रवि आप कंटिन्यू कर सकते हो। सही कह रहे हैं और ये बात सही है कि ये बात जो भी शुक्ला जी ने कही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबकी फैमिली से जुड़ी होती है, परिवार जुड़ा होता है, हम सब किसी न किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। तो फैमिली में यदि कहीं ना कहीं यदि आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती है तो स्वाभाविक है हम विफलता की ओर जाते हैं। सफलता तभी मिलती है जब हम सब मिलकर काम करते हैं। एक बात याद रखना, जब आप सभी को ये मैसेज दिया जा रहा है इसको जरूर देखें। ऑलरेडी आपको ग्रुप में भी सभी लोगों ने शेयर किया है, तो जरूर जरूर इसको जब देखते हुए काम करेंगे तो जरूर कोई टारगेट को यदि आप लक्ष्य लेके चलेंगे तो जो टारगेट आपको मिले हैं वो आप लेके चलेंगे तो स्वाभाविक है 100% आपका ना कटौती होगी, किसी रूप में कटौती नहीं हो सकती यदि आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य जो मिला है उसको पूर्ण, बहुत छोटा सा लक्ष्य है। शुक्ला जी ने भी कहा, तिवारी जी ने भी कहा, इस लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी होती है तो हम सफलता की ओर जाते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम तो अपनी बात को विराम देंगे और कुछ कहना चाहें तिवारी जी या हम भी आखिरी चरणों में यही कहना चाहेंगे, आज जो चर्चा का मुख्य उद्देश्य था वो लगभग इस फेसबुक सेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सेशन, अन्य माध्यमों से ये सूचना पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तो कटौती होगी तो मन में कुंठा होगी कि क्यों कटा। अगर उससे पहले सूचना उनके दिमाग तक पहुंच जाए, उनके लोगों को सूचना प्राप्त हो जाए कि हाँ इस कारण से कटा है, क्योंकि तो कई लोग किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, व्हाट्सएप ना देखना, सूचनाओं पे मौखिक सूचनाओं पे ध्यान ना देना, सीएसपी के दायरे कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है उससे पहले ही हम लोग ने चर्चा करके बता रहे हैं, अभी भी समय है, 5-6 दिन तक आप कवर कर सकते हो, आसानी से अपना इंसेंटिव बचा सकते हो, जो कटौती होने वाली है उससे मुक्ति पा सकते हो। बस इसी के साथ मैं विराम दूंगा और अभी से जी से चाहूंगा कि मीटिंग को कंक्लूड करें अपने चंद शब्दों के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इंद्र कुमार शुक्ला सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तिवारी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अश्विनी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस श्रृंखला में आप सभी ने अपना समय दिया और हमारे सभी वीएलई भाइयों को जो कमीशन स्ट्रक्चर स्लैब नया जो एसबीआई ने लॉन्च किया है जो इस महीने से एप्लीकेबल हो रहा है, इसके विषय में आप सभी ने विधिवत जानकारी दी है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की इस मुलाकात की श्रृंखला को सर यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद सर। शुक्ला जी नमस्ते, रवि जी नमस्ते, इंद्र जी नमस्ते।